एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु राज्य के अंदर है। आज जो है वो हम लोग आपको एक यहाँ की ट्रेडिशनल रेसिपी जो हम 500 बार खा चुके हैं, सैकड़ों बार खा चुके हैं, लेकिन जब हमें खूब बार खाई है, लेकिन अभी कुछ दिन में बैठी रही, पैर के लगी हुई थी, बैठी रही तो बैठे बैठे एक रेसिपी सीख गई यहाँ की, और ये बहुत अच्छी लगी हमें खाने में। हमेशा से ही अच्छी लगती थी, लेकिन इसका पता नहीं था कि बनाते कैसे है। अभी मैं सीख गई कुछ मतलब यहाँ के लोगों की मदद से। तो आज ये आपको बताएगी और मुझे खिलाएगी कैसे बनते हैं यहाँ के डोसा। डोसा है ना? हाँ, डोसा। डोसा बनाएंगे और इस मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं डोसा बनाना सीख जाऊंगी। सोचा नहीं था। हाँ, ये बात सही है। ऐसी है कि जिस एरिया में होते हैं ना, मतलब जिस मतलब कुछ भी ट्रेडिशनल, तो उसके हिसाब से सामान सब मिल जाता है। उनके लिए अलग से चावल चाहिए होते हैं, जो शायद हमारी साइड पता नहीं मिलते या नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं। इडली और डोसा के लिए अलग से चावल आते हैं। और सच बात मैं आपको एक और बता दूं, ये जब सीख रही थी उस दिन इसने हार मान ली थी 2-3 बार करके कि मेरे से नहीं बनेगा, बैठ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। फिर मैं बनाने के लिए इसने कुछ ठीक ठाक बनाए थे। मैंने जब बनाया उसके बाद इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ये तो ऐसे चूरमे की तरह बना रहा है, इससे अच्छा तो मैं बना रही थी। फिर इसने तुरंत आई और एकदम शानदार बनाने सीख गई। मैंने कई बार बनाए तो धीरे धीरे हाथ जम गए, इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सोचा कि मैं अभी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि यहाँ की एक रेसिपी सीख गई और मुझे बहुत अच्छा लगा सीख के। अभी इसके अंदर जो तीनों चीज़ भिगोई हुई है वो मैं बता रही हूँ। इसके अंदर है चने की दाल और उड़द की दाल, और ये है चावल जो डोसों के लिए चावल आता है, इडली और डोसा बनाने के लिए। ये ऐसे चावल होते हैं, ऐसे एकदम मोटे मोटे और मतलब छोटे छोटे। ये इडली और डोसा दोनों बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों को भिगो के 5-6 घंटे भिगो के रखना है। और साथ में ये मेथी है, मेथी मतलब लगभग 1 चम्मच मेथी भी भिगो के रखनी है। ये अलग भिगोनी है क्योंकि इसका पानी खारा होता है, तो इनके अंदर मतलब खराश नहीं चला जाए, इसके लिए इसको अलग से भिगोया और इन तीनों को मिक्स करके मैंने भिगोया। और अभी इनको मिक्सी में पीसना है, पीस के ओवर नाइट के लिए रखना है। और ये लेना कैसे है, जैसे मैंने इससे मेजरमेंट किया था चमचे से, तो 3 चमचा मैंने चावल लिया और 1 चमचा उड़द और 1/2 चमचा चने की दाल ऐसी लिया था। ये पानी निकालने के बाद इसको मैं साथ में ही पीसूंगी। इससे क्या, इसको थोड़ा इसे उबड़ने जैसा करना है, इसमें कुछ भी पाउडर सोडा कुछ भी नहीं डालना है। ये मेथी है ना, ये उबड़ने का काम करेगी, इसको साथ में पीसने के बाद रात भर रखेंगे तब। ऐसे हाथ में लगाए तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है दरदरा, बाकी एकदम बारीक पीस लिया। अभी इसको पीसने के बाद लगभग रात भर के लिए इसको ढक के रखना है ताकि ये थोड़ा ऐसे उबड़न जैसा हो जाए, उसके बाद ही इसके अच्छे से बनेंगे। तो ये तो मैं रख रही हूँ, मैंने रात को पहले ही बना के रख दिया था, ये इसके अंदर रखा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ी और सरल भाषा में बता दूँ कि वो तीनों चीज़ें जो भिगो कर के पीसी है मिक्सी से, उनको रात भर रख दिया तो कुछ इस तरह का ये पेस्ट हो गया तैयार। क्या बोला है ना, उबटन, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो बोले कुछ, हाँ। अब इसका जो डोसा बनेगा तैयार हो गया, अब इसका डोसा बनेगा। लेकिन डोसा खाएंगे किस चीज के साथ में, उसके लिए क्या सांभर वड़ा चटनी चटनी पटनी क्या बनाएगी? चटनी सिंपल बनाने में फटाफट, मेरी फेवरेट बनाने में थोड़ा टाइम लगे। मेरी फेवरेट चटनी नारियल की चटनी, ऐसी चटनी कहीं और बनाए नहीं सकते जहाँ नारियल होते हैं ताजा ताजा, उनकी ही एक स्पेसिफिक टाइम होता है। दुकान में भी जब रखते हैं ना मैं लेके आया, तो उनको ऐसे बोला कि चटनी के लिए नारियल दीजिए, तब उन्होंने नल्ला नल्ला दिया, नल्ला मीन्स अच्छे अच्छे निकाल के। किसी ने ऐसे बताया था कि थोड़ा ऐसे गर्म करने से ये चिटके अंदर से छोड़ देगा, आसानी से निकल जाएगी। ये हल्का सा गर्म करते ऐसे पूरा ही निकल गया, और ये देखो ऊपर से पका हुआ नहीं है, ये कच्चा है, अभी तक इसके कलर भी नहीं आए, इतना कच्चा है, तभी इसकी चटनी एकदम टेस्टी बनेगी। अभी चटनी बना रही हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है,
सिर्फ नारियल और नमक। इसमें जो नारियल का पानी निकला था ना वही पानी डालना है। अगर कम पड़े तो और पानी डाल सकते हैं। उस पानी से ज़्यादा मीठी बनती है चटनी, क्योंकि वो पानी भी बहुत मीठा होता है। नारियल के अंदर 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, जिससे मतलब थोड़ी चटनी थोड़ी थोड़ी तीखी हो जाएगी। मतलब मिर्ची तो जितनी अच्छी लगे उतनी डाल सकते हैं, लेकिन हम कम ही खाते हैं तो थोड़ी डाल रही हूँ। ये चटनी निकाल ली, और अब इस चटनी को निकाल लिया और इसके अंदर छौंका लगाना है। तो इस चटनी को छौंके के अंदर नहीं डालना है, छौंके को जैसे रायते में छौंका लगाते हैं वैसे इसके अंदर छौंका लगाना है। जीरा, राई और करी पत्ते हैं, तो ये करी पत्ते पूरी रेसिपी तैयार हो गई है। लास्ट सिर्फ फाइनल, अब भूख लगी हुई जोरदार, खाने के लिए डोसा बनाने हैं। नारियल की चटनी से पहले मसाला बनाना पड़ेगा। अरे उसका मसाला बनाना है। अभी ये मसाला बना रही हूँ, जो मसाला डोसा के अंदर मसाला डालते हैं। ये आलू है 3-4 उबाले हुए, और ये प्याज और हरी मिर्च है, और ये करी पत्ता है। इसका थोड़ा सा मसाला तैयार करना है। मिर्ची और हल्दी, नमक, धनिया, प्याज और हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद में ये मसाला डाल रही हूँ, जिसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक सब मिक्स किया है आलू के अंदर। काफ़ी देर हो गई, इसलिए अब हम लोग जो थक चुके हैं जल्द से जल्द खाना है, फटाफट से बनाना है। बनाने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस चटनी वो मसाला तैयार करने में उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी इसके मैं फटाफट बना दूँगी, फटाफट बना देगी। सबसे मुश्किल काम यही होता है और ये फटाफट कर देगी। चलो ठीक है। डोसा बनाने के लिए मैंने तो घी लिए, घी तेल कुछ भी ले सकते हैं। तोवा नॉन स्टिक होना ज़रूरी नहीं है, ये मेरे पास में जो तोवा है ये नॉन स्टिक नहीं है, लोहे का है, लेकिन थोड़ा चिकना होना ज़रूरी है। जैसे कई बार पराठे वराठे बनाती है तो चिकना होता है ना। अब मैं डोसा बना रही हूँ तो मैं बातें बिल्कुल नहीं करूँगी, डोसा बनाने में ध्यान दूँगी। अगर बातें करूँगी तो फिर मेरे से ठीक से बनेंगे नहीं। ओ, मैं तो कर सकता हूँ बातें। ये इसने कुछ नहीं किया, पानी डाल के ऊपर गोल गोल घुमा दिया। इतना आसान है, एकदम आसान है। और अभी इसकी किनारों पे घी लगाना है, बीच में भी लगाना है। देखने में तो ऐसे लग रहा है, वाओ। तो बरस नहीं है तो मैंने थोड़ा ऐसे चमची से डाला और ऐसे किया तो घी पूरे पे फैल गया। अगर वो बर्स होता तो उससे ऐसे आराम आराम से पूरे में लगा लेते। और ऐसा पलटिया होना ज़रूरी है इसको पलटने के लिए, वो भी एकदम साफ सुथरा। ये पत्ते लेके आए थे मैंने, थोड़े पत्ते मंगाए थे ये मतलब थाली के अंदर पत्ते लगाने के लिए, तो ये पूरे पेड़ ही उठा के ले आए। एक्चुअली यहाँ दुकानें होती हैं जिनके अंदर केले के पत्ते बिकते हैं, लोग लेके भी जाते हैं। और ये डोसा सब वाला दादी को आ गया। दादी बेचारी कब से वेट कर रही है कि आज कुछ तो खास खिलाएंगे बना करके। तो चटनी खा ली मैं। पत्ते को यहाँ पर शुद्ध माना जाता है, शुद्धता का प्रतीक है। हर चीजें यहाँ पर ग्रीन ग्रीन। तो ये नारियल की चटनी इसने डाल दी पत्ते के ऊपर, और भी कई सारी होती है यहाँ पर, तो सांभर भी होती है, लेकिन हम बाद में सीखेंगे तब आपको बताएंगे। माँ के बना के खुआ दो थे, के खुआ से पता को नहीं। दादी वेट करते करते थक गई कि माँ नींद और ले ली दादी ने। तो लड्डू पालना जी माइ है, लड्डू को पालना जी माँ। माँ तो माँ चटनी चटनी बहुत बड़ी है। तवे को एकदम गर्म करना होता है, फिर ये थोड़ा सा पानी डाल के इसका टेम्परेचर डाउन करना होता है, और उसके तुरंत बाद
और एकदम हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे घुमाना होता है। किनारे किनारे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगाना है। अब तो दो दो तीन टाइम यही है बना के खुआ। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मेरे ऐसे कुछ भी नहीं है कि बस रोटी खाऊं तभी हो, इडली खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। बस एक बात है, इसको बनाते ही गरम गरम खाते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आता है, तुरंत ही। अरे मिर्च बहुत ज़्यादा डाल दी। मिर्ची अपने हिसाब से डालें आप। तो सीधी और रख दिया चटनी। अच्छा एक सीधी भी रख दी थी ऐसे, इसमें कोई मिर्ची नहीं है। अरे यार बहुत तीखो, बाकी स्वाद बहुत है। मेरी तो यहाँ की डिश है ना तमिलनाडु की, सारी फेवरेट हो गई है। हरी मिर्च इसमें भी है तेरी। सही है, बिना मिर्ची के सही लगा। मैंने बेरो था बिना मिर्ची के सही लगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा, टेस्टी खाना, हेल्दी खाना यहाँ का। हमें ऐसे लगा कि हम लोग नई जगह पे हैं, नई रेसिपी सीखे हैं, तो आपके साथ में भी शेयर करना चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो के अंदर। आप हमारे देख रहे हैं तमिलनाडु की यात्रा। आप भी अपने घर पे बनाएं, कैसा टेस्ट हो हमें कमेंट करके बताएं।